बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम फिज़िक्स क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 के हम प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल्स को। फर्स्ट 5 न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल, अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन मूव्स अ बॉडी विद एन एक्सेलेरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हाट इज इट्स मास। एक बॉडी है जिसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही है, 20 न्यूटन की फोर्स अप्लाई हो रही है, और एक्सेलेरेशन क्या है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बता रहे हैं कि जिसका मास फाइंड करना है हमने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम गिवन डाटा में लिखेंगे एफ इज इक्वल टू 20 न्यूटन, और एक्सेलेरेशन हमारे पास जो है वो गिवन है, वो लिखेंगे हमने फाइंड क्या करना है, मास। तो हम जानते हैं कि एफ इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, एफ इज इक्वल टू एम ए। तो इस इक्वेशन के मुताबिक हमने फाइंड करना है मास को। तो यहाँ पर जो ए है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई है, और दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो एफ़ की वैल्यू हमारे पास 20 है, और ए की वैल्यू क्या है, 2। तो 2 और 20 आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो 2 × 10 क्या होता है, 20। तो हमारे पास एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 kg। मास के यूनिट क्या होता है, kg। तो इसलिए हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल का आंसर क्या आएगा, एम इज इक्वल टू 10 kg। जी, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में द वेट ऑफ ए बॉडी इज़ 147 न्यूटन, व्हाट इज़ इट्स मास। एक बॉडी है जिसका जो वेट है वो है 147 न्यूटन है, और उसका फाइंड करना हमने मास फाइंड करना है। और वो कह रहे हैं कि जी की वैल्यू जो है, ग्रेविटेशन एक्सेलेरेशन की वैल्यू जो है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आप इसके अंदर यूज़ करके आप मास को फाइंड कर सकते हैं। तो वेट हमारे पास क्या है, 147 न्यूटन है, और ग्रेविटेशन एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। मास हमने फाइंड करना है, इसके अंदर हमने फार्मूला लगाना है डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। वेट का फार्मूला लगाना है, वेट इज इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू जी। तो यहाँ पर हमने मास फाइंड करना है, तो जो जी है इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, 147, और जी की वैल्यू क्या है हमारे पास, 10। दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 14.7। तो मास का यूनिट क्या होता है, kg। तो m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 14.7 kg इसका आंसर। ये तो नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है उसके वैल्यू है, हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ मास 10 kg फ्रॉम फैलिंग। देखिए, फैलिंग का मतलब होता है हाइट, कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे गिर रही हो तो उसका मतलब है यहाँ पर जो ग्रेविटेशन एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। जब नीचे से ऊपर होगी तो फिर -10 होगी, अगर ऊपर से नीचे होगी तो फिर क्या होगी, +10 को हम यूज़ करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम गिवन डाटा लिखेंगे, एम इज इक्वल टू 10 kg है, और जी हमारे पास क्या है, 10 है। फोर्स हमने फाइंड करनी है, तो यहाँ पर देखिए फोर्स जो होते हैं वो हमारे पास वेट की इक्वल होता है, तो वेट हमारे पास किसके इक्वल होते हैं, एम जी के। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे पास क्या देखें, आंसर 10 × 10 = 100। तो एफ फोर्स है, फोर्स जो है क्या होता है, न्यूटन। तो हमारे पास क्या आएगा, 100 न्यूटन इसका आंसर। जी, नेक्स्ट न्यूमेरिकल, हमारे पास फाइंड द एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस्ड बाई अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इन अ मास ऑफ 50 kg। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डाटा लिखेंगे, फोर्स हमारे पास क्या है, 100 न्यूटन है, और मास हमारे पास क्या है, 50 kg है। हमने एक्सेलेरेशन फाइंड करनी है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए। एक्सेलेरेशन फाइंड करनी है तो एम यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, एफ ओवर एम। एफ हमारे पास क्या है, 100 न्यूटन है, और एम क्या हमारे पास, 50 kg है। दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, 2। और देखिए, एक्सेलेरेशन के यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलेरेशन का हमारे पास जो आंसर आएगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका आंसर आएगा। जी, तो लास्ट न्यूमेरिकल हमारे पास 3.4 न्यूमेरिकल है इसमें। तो उसकी गिवन वैल्यू हमारे पास ये है कि अ बॉडी हैज़ वेट 20 न्यूटन, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव इट्स वर्टिकली अपवर्ड विद एन एक्सेलेरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बॉडी है जिसका वेट क्या है, 20 न्यूटन। हमारे पास वेट क्या आ जाएगा, 20 न्यूटन, ठीक है, और एक्सेलेरेशन हमारे पास क्या है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और फोर्स हमने फाइंड करनी है, फोर्स एफ इज इक्वल हमने फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सोल्यूशन में लिखेंगे, वी नो डैट, हम जानते हैं कि वेट का फार्मूला अप्लाई करें इसके ऊपर, डब्ल्यू इक्वल क्या होता है, एम जी। हमने मास फाइंड करना है, तो मास के साथ जो जी है ग्रेविटेशन एक्सेलेरेशन वो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो वेट की वैल्यू हमारे पास क्या है, 20, और जी की वैल्यू क्या है हमारे पास, 10। दोनों आपस में नंबर क्या हो रहे हैं, डिवाइड। तो 10 × 1 = 10, 10 × 2 क्या होगा, 20। तो मास हमारे पास क्या आएगा, 2 kg। इसके अलावा नेक्स्ट हम फोर्स को फाइंड करेंगे, एफ इज इक्वल टू एम ए। मास की वैल्यू हमारे पास 2 है, और एक्सेलेरेशन की वैल्यू भी 2 है, 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4। एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 न्यूटन। अब हमने वो फोर्स फाइंड करनी है जो वर्टिकली अपवर्ड है, मूव कर रही है। तो उसका फार्मूला हमारे पास होगा, डब्ल्यू प्लस एफ वेट प्लस प्लस दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर। क्लियर?